अगर डिफेंडर्स ए पॉइंट पर हैं तो आपको उनके पीछे से जाकर इन बॉक्सेस के ऊपर चढ़कर अपना बूस्ट लगा लेना है, फिर एकदम से स्प्रिंट होकर उन पर हाथ चला देना है। इसी प्रकार से अगर आप इनके झुंड में से एक बंदा ही ज़ॉम्बी बना देते हो तो वो ही काफ़ी है उनको वैनिक्विश बनाने में। बूस्टर वाले डब्बों के पीछे आकर इसी पोजीशन में बैठना है और आपको फेस पीछे की ओर कर लेना है और आपको कोशिश करनी है कि आप इन डब्बों से थोड़ा डिस्टेंस ही बना कर रखो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पास में बैठोगे तो ये ज़ॉम्बी जंप लगाएंगे और एकदम से वो पीछे को फेस कर आपकी ओर आपको इन्फेक्ट कर जाएंगे। तो आपको कोशिश करना है आप इसी पोजीशन में बैठ जाओ। अगर आप वैनिक्विशर हो तो आपको ज़ॉम्बी से फाइट नहीं लेना है, क्योंकि फाइट लेने से आप मर सकती हो और इस तरह से डिफेंडर्स जीत नहीं सकते। आपको बस ज़ॉम्बी को पीछे लगाकर चकमा देकर भागना है, जैसे मैं इस क्लिप में कर रहा हूँ। अगर आप सी पॉइंट पर हो तो अगर आपके झुंड पर अटैक हो जाए तो आपको उधर से सबसे पहले भागना है और सेफ जगह पर पहुँचना है ताकि आप वैनिक्विशर बन सको। आप पहले दूसरे ज़ॉम्बीज को वैनिक्विशर की हेल्थ लो करने दो और लास्ट में जिस भी वैनिक्विशर की हेल्थ सबसे कम होगी आप उसको टारगेट में रखो और उसका किल किसी को मत लेने दो और अपना बेस्ट परफॉर्म करो जब डिफेंडर्स वैनिक्विशर बन जाएं। सकते हैं कि जैसे कि मैंने अपना बेस्ट परफॉर्म किया और मैं ज़ॉम्बीज का MVP बन गया। तो आपको इस सी पॉइंट के पीछे वाले सीक्रेट रूम का नहीं पता होगा, तो आप ऐसा करना कि आज अपनी गेम में इस रूम में एक बार ट्राई करना छुपने का और आप ग्रंटेड वैनिक्विशर बनकर ही बाहर निकलोगे। अगर आपको सीधा फाइट ही लेना है तो मैं आपको ए पॉइंट की इस साइड रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आप डिफेंडर बन जाओ तो आप इधर नीचे से कूदकर इस बम्प से जंप लेकर सी पॉइंट के शॉर्टकट पर चले जाओगे। आप ज़ॉम्बी बन जाते हो तो फिर तो आप आराम से एक बंदा इन्फेक्ट करके ही जाओगे, सो ए पॉइंट सबसे सेफ है, इधर ज़ॉम्बीज का भी ध्यान कम ही पड़ता है। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी लो हेल्थ में फाइट ना ले। इस सिचुएशन में आप ऑटो हील या तो फिर बूस्टर की वेट कर सकते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैं इतनी लो हेल्थ में तीन तीन वैनिक्विशर के साथ फाइट ले रहा और मैं मर जाता हूँ। अगर डिफेंडर सी पॉइंट पर है तो आपको ऊपर की छत से कूदकर इन एरो वाले बॉक्सेस के ऊपर चढ़कर भागना है और आप इस तरीके से उनको इन्फेक्ट कर सकते हो। तो आपको अपना बूस्ट इनेबल कर बी साइड की ओर भागना है और आप इसी तरीके से आप बी पॉइंट पर पहुंच जाओगे और आप जो भी इधर डिफेंडर्स हो गए आप उनको इजीली इन्फेक्ट कर सकते हो।